तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ग्राफ एडिटर किस तरह से बिहेव करता है। हर इन परेशानी को उसकी नानी याद दिला देगा। क्या बात है। और इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है क्यूब, जो कि आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। एंड इसको हम करेंगे एनिमेट। सो मैं यहाँ पर लूंगा 0 एंड यहाँ पर लूंगा अराउंड 30 एंड 0 पर मैं कर दूंगा प्रेस एस, जिससे कि यहाँ पर हो जाए सेट ए की। और यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़े पे पड़ गया है की, और मैं चाहता हूँ इन पे ना की पड़े, तो मैं इनको करूँगा ब्रेक कनेक्शन जस्ट लाइक दैट। तो नाउ हमने यहाँ पर कर लिया है सेट ए की। अब मैं यहाँ पर करूँगा 20 पे एक सेट ए की जस्ट लाइक दैट। एंड मैं इसको करूँगा मूव लाइक दिस एंड कर लूँगा रोटेट जरा सा, तो हाँ ये ठीक है। एंड इसका जो मूव और रोटेट है इस तरह से ग्राफ एडिटर में दिख रहा है। लेकिन मुद्दा ये है कि हम किस तरह से समझें कि ये एक्स रोटेशन है, उसको हमने सिलेक्ट किया है और हम यहाँ पर ऐसे नीचे या ऊपर करते हैं तो कैसे रोटेट हो रहा है ना, कैसे मतलब कौन से एक्सेस पे रोटेट हो रहा है। तो ये जो रोटेशन ऑर्डर है ग्राफ एडिटर में गिम्बल के हिसाब से दिखाता है। आप चाहे कितने भी ऑब्जेक्ट एक्सेस में रोटेट करो, वर्ल्ड एक्सेस में रोटेट करो, लेकिन यहाँ पर गिम्बल के हिसाब से ही दिखाएगा। तो एज ए एग्जाम्पल मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, अगर प्रेस ई करोगे, होल्ड ई एंड यहाँ पर लेफ्ट माउस बटन क्लिक करोगे, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये फिलहाल ऑब्जेक्ट एक्सेस में है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट एक्सेस में नहीं ये ग्राफ दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पर ध्यान से दिखाऊँ तो ये जो है ये सेट एक्सेस है, ठीक है, और ये इस तरह से घूमेगा अगर मैं इसको ऊपर नीचे करूं, लेकिन एक्चुअल में ये इस तरह से घूम नहीं रहा। आप देख सकते हो बड़े एकदम साफ है, यानी कि साफ तरीके से। तो ये कौन से एक्सेस पे घूम रहा है, ये गिम्बल एक्सेस पे घूम रहा है। अगर मैं पर होल्ड ई करता हूँ एंड फिर से लेफ्ट माउस बटन एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा गिम्बल ऑफ, तो इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर दिखाएगा ये जेड एक्सेस, एंड ये जेड एक्सेस के हिसाब से ये रोटेट करेगा। अगर मैं इसको करता हूँ शिफ्ट करके फिर से नीचे ऊपर, तो आप देख सकते हो ये जेड एक्सेस के हिसाब से रोटेट कर रहा है, और ये जो देख रहे हो आप, और अगर मैं थोड़ा सा रोटेट करूँगा तो ये गिम्बल लॉक हो जाएगा। तो गिम्बल लॉक का हिस्टोरी बहुत अलग है और बहुत थोड़ा सा गिम्बल लॉक लाइक पेन इन द एस। यस इट इज। सो अगर मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट में करता हूँ एंड करता हूँ सेड एक्सिस कुछ इस तरह से रोटेट, तो आप यहाँ पर चैनल बॉक्स पे देख सकते हो यहाँ पर सारे वैल्यू जो है वो सारे में वैल्यूज पड़ रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसको करता हूँ गिम्बल पर और मैं करता हूँ एक्स एक्सिस पे रोटेट, तो आप देख सकते हो सिर्फ एक्स एक्सिस में ही रोटेट हो रहा है, बाकी और दोनों एक्सिस में रोटेट नहीं हो रहा है। चैनल बॉक्स पे आप यहाँ पर साफ देख सकते हो। ये जो ट्रू रोटेशन है इसको भी ग्राफ एडिटर में दिखाया जाता है। आप चाहे ऑब्जेक्ट एक्सिस में हो या हो चाहे वर्ल्ड एक्सिस में, ये आपको गिम्बल में ही दिखाएगा। और ये बहुत प्रॉब्लम करता है अगर किसी को समझ में नहीं आता कि एक्चुअल में कौन सा ट्रू रोटेशन ग्राफ एडिटर में दिखाता है और कैसे हम इसको फिक्स करें। कहने का मतलब ये है ग्राफ एडिटर में हम जब ग्राफ को पकड़ के ठीक करते हैं तो ये जानना बहुत ज़रूरी है, और ग्राफ एडिटर में आपको ठीक करना ही पड़ेगा, नहीं तो कहीं ना कहीं ये जो जर्क है वो रह ही जाता है। सो ये था रोटेशन के बारे में कि कौन सा ट्रू रोटेशन आपको ग्राफ एडिटर में देखने को मिलता है। और ये आपको शायद वीडियो देख के समझ में नहीं आ रहा होगा, तो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करोगे तो पता चलेगा आपको बड़े आराम से। समझ में आया क्या? समझ में आया। मगज में आया क्या? मगज में आया। एंड अगर मैं यहाँ पर ट्रांसलेट करता हूँ, तो मैं ट्रांसलेट करता हूँ ऑब्जेक्ट एक्सेस में एंड एक्स एक्सेस में मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ, वाई एक्सेस में ट्रांसलेट कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में ग्राफ एडिटर में ये ऑब्जेक्ट एक्सेस में नहीं दिखाता। सो अगर मैं यहाँ पर एक्स एक्सिस को पकड़ता हूँ एंड यहाँ पर मैं सिर्फ सिलेक्ट करके ट्रैक करता हूँ लाइक दिस, तो आप देख सकते हो ये कुछ और ही मूव कर रहा। तो आप देखने के लिए कुछ इस तरह से सेट करता हूँ।
एंड करता हूँ, तो आप देख सकते हो ये इस तरफ जा रहा है कि इस तरफ, ठीक है, इस तरफ से आपको सॉफ्ट दिखेगा। सो आप देख सकते हो ये इस तरफ जा रहा है ना कि इस तरफ, ठीक है। मेरे माउस कर्सर को ध्यान से देखो, ये इस तरफ जा रहा है। और एक्चुअली मैं आपको दिखाई देता हूँ ड्रॉ करके। सो ये जो है ये एक्सेस इस तरफ से नहीं जा रहा, ये एक्चुअल में इस तरफ से जा रहा है कैंसलेट में, ठीक है। तो ये हो जाता है प्रॉब्लम। सो यहाँ जो टेंसलेट है उसका जो ट्रू टेंसलेट है यानी कि इस क्यूब का, इस ग्राफ एडिटर में वर्ल्ड एक्सेस में दिखाता है। सो मैं इसको कर लेता हूँ ठीक एंड डिलीट कर देता हूँ। तो अगर मैं वर्ल्ड एक्सेस पे जाता हूँ, सेलेक्ट वर्ल्ड एक्सेस, एंड आप देख सकते हो आप कि ये किस तरह से बिहेव कर रहा है। तो मैं इसको करता हूँ सेलेक्ट, शिफ्ट, ड्रैग करता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये अब एक्चुअल में आपको दिखा रहा है कि एक्स एक्सिस में ट्रांसलेट हो रहा है, यानी कि इस तरफ और इस तरफ ट्रांसलेट हो रहा है। सो इसका यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी कंट्रोल का या ट्रू ट्रांसलेशन जो है वो ग्राफ एडिटर में वर्ल्ड स्पेस के हिसाब से ही दिखाता है। अगर और एक चीज दिखा देती हूँ, अगर यहाँ पर आप देख सकते हो चैनल बॉक्स पर नजर रखना। सो अगर मैं एक्स में मूव करता हूँ तो आप देख सकते हो सिर्फ एक्स में ही मूव कर रहा है, और अगर मैं वाई पे करता हूँ तो सिर्फ वाई में कर रहा है, और जेड में कर रहा हूँ तो सिर्फ जेड में ही हो रहा है ना। लेकिन अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ ऑब्जेक्ट पर एंड करता हूँ एक्स एक्सिस में मूव, ऑब्जेक्ट एक्सेस के हिसाब से एक्स एक्सेस को करता हूँ मूव, तो यहाँ पर आप देख सकते हो सारे जो है मूव कर रहे हैं ट्रांसलेट, ये बिल्कुल गलत है। और कई बार क्या होता है कि आप किसी भी कंट्रोल को सिलेक्ट करके चेक करते हो तो कई बार आप देख सकते हो कि वर्ल्ड एक्सेस में सही काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट एक्सेस में भी सही काम कर रहा है। इसका मतलब है कि उस कंट्रोल का जो ग्रुप पिवट है वो सही है, या उस कंट्रोल का जो पिवट है वो बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप एक्स एक्सेस में देख रहे हो कि भाई सही मूव कर रहा है, और बाकी दोनों एक्सेस में आप जब मूव कर रहे हो तो ये जो वैल्यूज हैं अलग अलग, या दोनों एक साथ या तीनों एक साथ मूव हो रहे हैं, तो इसका मतलब उस कंट्रोल का पिवट गलत है, उस कंट्रोल का पिवट ठीक नहीं है। सो इसको आपको समझना पड़ेगा, और ये कहीं ना कहीं बहुत प्रॉब्लम करता है, और ख़ास करके बिगिनियर्स को। मैं जब था तो मुझे भी बहुत प्रॉब्लम हुआ था इस चीज़ को, क्योंकि ग्राफ पकड़ के जब मैं ठीक कर रहा था तो कुछ अलग ही हो रहा था ग्राफ में, और बिल्कुल में कुछ और ही अलग हो रहा था। सो ये चीज़ मैं आपको कंफर्म कर दिया मैंने कि भाई इस तरह से बिहेव करता है ग्राफ एडिटर। आप इसको एक्सपेरिमेंट करके देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा, और ये आपको करना ही चाहिए अगर आपको एनिमेशन सीखना है तो, और आपको एनिमेशन सही से करना है तो। सो इस वीडियो में इतना ही, देखते रहिए, देखो CGI 3D का दीवाना।